दोस्तों अगर आप दिल्ली की मजनू टीला की तिब्बत मार्केट या और किसी भी तिब्बत मार्केट में गए हैं तो आपने लापिंग की रेसिपी जरूर ट्राई की होगी और आपके मन में ये सवाल भी आया होगा कि आखिर ये बनती कैसे है। इसलिए आज मैं इस लापिंग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लापिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 किलो मैदा और सबसे पहले इस मैदे को छन्नी से हम छान लेंगे और अब हमें इसे गूंदना है। हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से गूंदेंगे। दोस्तों हमें इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट गूंदना है अच्छी तरह से ताकि इसके अंदर ग्लूटेन जो है एक्टिवेट हो सके। और अच्छी तरह से इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगा देने के बाद हमें इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए। और आधे घंटे के बाद हम इसे चेक करेंगे, हमारा मैदा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होगा और अब इसे हम एक बार फिर से पंच करेंगे और फिर से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और 10 मिनट के बाद एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, उसमें हमारे इस गूंदे हुए मैदे को डाल देंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर डालेंगे तकरीबन 1 लीटर पानी। और अब इस गूंदे हुए मैदे को हमें पानी के अंदर अच्छी तरह से वॉश करना है। इस तरह से आप पानी के अंदर मैदे को दबाएंगे तो धीरे धीरे पानी जो है वाइट होता चला जाएगा, यानी कि स्टार्च जो है अलग होता जाएगा और ग्लूटेन अलग होता जाएगा। आप देख सकते हैं कि स्टार्च और ग्लूटेन धीरे धीरे अलग हो रहा है और अब जो है हम इस स्टार्च को छन्नी की मदद से अलग कर लेंगे ग्लूटेन में से और अब वापस से इस प्रोसेस को हमें दोहराना है। फिर से पानी डालकर इसे अच्छी तरह से हम वॉश करते जाएंगे जब तक कि हमारा पानी एकदम साफ ना हो जाए। तकरीबन 5 से 6 बार इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हमारा यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ हो गया है, यानी कि हमारा ग्लूटेन जो है एकदम सेपरेट हो गया है स्टार्च के अंदर से। तो ये हमारा ग्लूटेन है, तकरीबन 300 से 350 ग्राम ये ग्लूटेन इसके अंदर से हमारा निकला है। और जो ये हमारा स्टार्च है इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा पानी है, इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि स्टार्च नीचे बैठ जाए और ऊपर से हम फिर पानी निकाल दें। और जो ये ग्लूटेन है इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और ऊपर से डालेंगे 1/2 टीस्पून ईस्ट और ईस्ट डाल देने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ग्लूटेन के अंदर। दोस्तों आप इसे बिना ईस्ट के भी बना सकते हैं, बिना ईस्ट के थोड़ा सा कम फ्लफी बनेगा। तो ईस्ट डाल देने के बाद हम इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और अब कढ़ाई में हमने छन्नी रख दी है, अगर स्टीमर है आपके पास तो आप स्टीमर में भी इसे स्टीम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टीमर को ग्रीस कर रहा हूँ ताकि हमारा ग्लूटेन चिपके ना। और अब हमारे इस ग्लूटेन को चेक करेंगे, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो गया है। इसे हाथ से इस तरह से फैला लेंगे और हमारे स्टीमर के अंदर इसे हमने अभी रख देना है। तो ये स्टीमर के अंदर रख कर भी इसे हम इस तरह से हम फैला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो सके। और अब हम इसे ढक कर पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और 20 मिनट के बाद हमारे ग्लूटेन को चेक करेंगे, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से एकदम फ्लफी ये बनकर तैयार हुआ है। और अब हमारे ग्लूटेन को निकाल लेंगे एक पलटे की मदद से, अगर ये नीचे चिपक जाए तो इस तरह से इसे हम पलटे से निकाल लेंगे। तो ये ग्लूटेन हमारा एकदम तैयार है, इसे मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों अंदर से कितना ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ये पक गया है, एकदम जालीदार ये बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे इस तरह से लंबे टुकड़ों में काटेंगे, फिर हम इसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये ग्लूटेन हमारा तैयार है और अब इसके बाद हमें बनाना है ये चिली ऑयल। तो दोस्तों चिली ऑयल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 टीस्पून पेपरकॉर्न्स, 1 टीस्पून सौंफ और 2 स्टारनीज ली है मैंने यहाँ पर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, कुछ छोटे छोटे कटे हुए अदरक के टुकड़े, 2 तेज पत्ते लिए मैंने यहाँ पर, 3 से 4 टीस्पून ली है मैंने यहाँ पर तीखी वाली लाल मिर्च,
और मैंने यहाँ पर लिया है टिमोर, जो कि नेपाली डिश और टिबेटन डिश में खास तौर से पड़ता है, किसी भी टिबेटन मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। और मैंने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ लहसुन और अदरक, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच तिल, जिसे मैंने भून लिया था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अदरक और लहसुन का पानी। तो मैंने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ लहसुन और अदरक, और अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। तो लाफिंग की सॉस बनाने के लिए हमें अदरक लहसुन का पानी चाहिए होता है, इसलिए मैं ये पहले ही अदरक और लहसुन को भिगा कर रख रहा हूँ। और अब एक बाउल ले लेंगे, उसमें डाल देंगे हमारी सूखी लाल मिर्च, और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे हमारे भुने हुए तिल, और साथ ही साथ इसके अंदर डाल देंगे हम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। और अब मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 100 ml तेल, और तेल को डाल दूंगा मैं एक फ्राई पैन के अंदर। तेल को हमें गर्म करना है, तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होने लग जाए तो इसमें हमारे मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है सौंफ, काली मिर्च और स्टार अनीस और टिमुर यानी कि शेजवान पेपर, और ये अदरक के टुकड़े, और 2 मैंने यहाँ पर तेज पत्ते भी डाल दिए हैं। और अब इसे चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है, 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, जब तक कि मसाले हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। और अब गैस को बंद कर देंगे, और अब इस तेल को हमें ऐड करना है उसी बाउल के अंदर जिसमें हमने चिली, गार्लिक और तिल रखे थे। तो हमारे मसालों के साथ पके हुए तेल को डाल देने के बाद हमारा चिली ऑयल एकदम तैयार है। दोस्तों, ये चिली ऑयल हमारे इस लाफिंग की रेसिपी की जान है। और अब देखेंगे हमारे स्टार्च को, आप देख सकते हैं कि स्टार्च में से पानी एकदम अलग हो गया है, स्टार्च नीचे बैठ गया है। अब इस एक्सेस पानी को हम निकाल देंगे। तो ये स्टार्च जो है हमारा एकदम अलग हो चुका है पानी के अंदर से, थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पानी को अब हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्टार्च जो है एकदम तैयार है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है हमें। स्टार्च की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी होती है। इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्टार्च हमारा एकदम तैयार है लाफिंग की शीट्स बनाने के लिए, और गैस पर मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है हमारे लाफिंग को स्टीम करने के लिए। मैंने एक प्लेट ले ली है, उसको ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और अब इसके अंदर 1 लैडल भर के मैं डाल रहा हूँ ये लाफिंग का बैटर। और प्लेट में बैटर डाल देने के बाद इसे इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि हमारा लाफिंग एकदम इवन बने। और दोस्तों, अब इस बैटर की प्लेट को हम इस कढ़ाई के अंदर रख देंगे और ऊपर से लगा देंगे ढक्कन ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसे स्टीम करेंगे, और तब तक हम एक प्लेट ले लेंगे, इसको ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे, इसके अंदर हम लाफिंग हमारा रखेंगे। तो तकरीबन 4 मिनट पकाने के बाद लाफिंग की शीट्स हमारी एकदम तैयार है, और अब हम इसे निकालेंगे। तो इसे निकालने का तरीका ये है, एक चम्मच की मदद से इसे इस तरह से निकालें और हाथ से पकड़कर खींच लें, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो इस लाफिंग की शीट को हम उसी प्लेट पर रख लेंगे जिसमें हमने ऑयल लगाकर रखा था, और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे ताकि आपस में लाफिंग जो है हमारी शीट जो है लाफिंग की वो चिपके ना। और इसी तरह से हम एक और लाफिंग तैयार करेंगे, प्लेट में बैटर डालेंगे, उसे टैप करेंगे और डाल देंगे इसे उबलते पानी की कढ़ाई के अंदर, और ऊपर से लगा देंगे ढक्कन, 3 से 4 मिनट स्टीम करेंगे, और तैयार है हमारी लाफिंग की एक और शीट। और इसी तरह से मैं बाकी की सारी शीट्स भी तैयार कर लूंगा। और दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखें कि एक शीट को और दूसरी शीट को रखने के बाद बीच में ऑयल जरूर लगाएं, नहीं तो शीट आपस में चिपक जाएंगी।
तो लाफिंग की शीट हमारी तैयार है, तो चलिए शुरू करते हैं लाफिंग बनाना। तो मैंने यहाँ पर लाफिंग की शीट ले ली है, चिली ऑयल ले लिया है, ग्लूटन ले लिया है और नमक ले लिया है। तो सबसे पहले एक चम्मच चिली ऑयल डालेंगे लाफिंग की शीट के ऊपर, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और अब इसे लाफिंग की शीट पर अच्छी तरह से फैला देंगे और अब इसके ऊपर डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ ग्लूटन। यही जो है इसकी फिलिंग होती है और अब इसे हमें रोल करना है बिल्कुल अच्छी तरह से टाइटली। तो दोस्तों ये हमारा लाफिंग एक बनकर तैयार हो गया है और अब इसे कटिंग बोर्ड पर मैंने रख लिया है। इसी तरह से मैंने एक और भी बनाकर रख लिया है और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो दोस्तों अब इसे हम लगा लेंगे एक सर्विंग बाउल के अंदर। हमारा ड्राई लाफिंग तैयार है और अब हम बनाएंगे सॉस लाफिंग। तो दोस्तों लाफिंग की सॉस बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है, उसमें डालूंगा 2 से 3 बड़े चम्मच हमारा तैयार किया हुआ चिली ऑयल। दोस्तों अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और चिली ऑयल ऐड कर देने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ हमारा अदरक लहसुन का पानी और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून सोया सॉस और नमक डालेंगे इसके अंदर स्वाद अनुसार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों लाफिंग की सॉस हमारी एकदम रेडी है। तो दोस्तों सॉस लाफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लाफिंग की शीट्स ले ली हैं, इसे इस तरह से मैंने रोल कर लिया है और अब मैं इसे थोड़ा पतला पतला काट लूंगा। तो दोस्तों अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर और अब इस बाउल के अंदर डालेंगे हमारा ग्लूटन और डाल देंगे 1 टीस्पून चिली ऑयल और जो ये हमने सॉस तैयार की थी लाफिंग की वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारा सॉस लाफिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये लाफिंग की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़ देखने के लिए। और वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।